हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र तोमर और आज मैं एक और नई वीडियो लेकर के आया हूँ आपके लिए। इस वीडियो में हम बताएंगे अगर डेल्टा SMCS सिस्टम का कंट्रोलर ख़राब हो जाए तो उसमें उस टाइम पे अगर हमारा कंट्रोलर कोई ख़राब हो जाता है तो उसमें क्या है मतलब जो मॉड्यूल होते हैं या रेक्टिफायर होते हैं हमारे अच्छे से चार्ज नहीं कर पाते हैं, यानी कि 53 तक ही हमारी चार्जिंग पहुँचती है जो कि हमारा 54.5 चाहिए होता है। तो हमारे मॉड्यूल में कम्युनिकेशन नहीं आता, कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है कंट्रोल ख़राब होने के पर। तो कम्युनिकेशन को कैसे बाईपास करना है या मॉड्यूल हमारे कैसे चार्जिंग पर आएंगे 54.5 तक या 55 तक कैसे चार्जिंग देंगे, तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये वीडियो जो है हमारी काफ़ी अच्छी होने वाली है और ऐसी प्रॉब्लम काफ़ी आ जाती है जिसमें कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है या फिर हमारा कंट्रोलर ख़राब हो जाता है उस कारण हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। तो उस कम्युनिकेशन को कैसे बाईपास करना है हमें इस वीडियो में हमें ये बताना है, क्योंकि हमें हमारे बैटरी बैंक अच्छे से चार्ज हो जाएंगे। तो देखिए, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो देखिए, चलते हैं, मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके से हमें कम्युनिकेशन बाईपास करना है। हाँ, तो देखिए दोस्तों, ये डेल्टा का हमारा SMCS है, SMCS है, साइट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारा जो है 12 किलोवाट का हमारा SMCS है। तो इसमें क्या है, जैसे कम्युनिकेशन यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है, जब हमारा चार्जिंग हमारा फ्लोट वोल्टेज बूस्ट वोल्टेज के हिसाब से हमारी चार्जिंग होती है, ठीक है। तो 54.50 पे है और 39 एम्पियर से हमारा ये चार्ज हो रहा है। तो देखिए, अगर हमारा या तो हमारा कंट्रोलर ख़राब हो जाए या हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाए, किसी कारण हमारे कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ये क्या है, हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है जिस कारण हमारे मॉड्यूल चार्जिंग नहीं कर पाते। तो इसको हमें चार्जिंग कैसे करें, तो वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, अगर बाय द वे हमारा ये कंट्रोलर ख़राब हो जाता है तो इसमें हम कैसे बाईपास करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अच्छे से समझना। हाँ, तो देखिए दोस्तों, कम्युनिकेशन आ रहा है। अभी मैं क्या है, इस कंट्रोलर को बाहर निकाल दूंगा। बाहर निकालने के बाद में कम्युनिकेशन इसका ब्रेक हो जाएगा, या समझ लो आपका, मैंने बाहर निकाल दिया तो आपका ये जो कंट्रोलर है ये ख़राब हो गया, कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। उसी कंडीशन में ये काम करेगा, ठीक है। तो मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ। तो देखिए, ये हमने इसका कंट्रोलर बाहर निकाल दिया। अभी हमारा जो कम्युनिकेशन जो आ रहा है ये अभी ब्रेक हो जाएगा, मुश्किल से एक मिनट लेगा। तो एक मिनट बाद ही इसका ये सेंसिंग इसकी ख़त्म हो जाएगी, सेंस करना बंद कर देगा ये, तभी इसका कम्युनिकेशन चला जाएगा। तो देखिए, मैंने कंट्रोलर बाहर निकाल दिया है। कंट्रोलर बाहर निकालने के बाद में अभी मॉड्यूल में कम्युनिकेशन आ रहा है, लेकिन ये चला जाएगा। जाने के बाद में ये ओनली 52.5 तक ही चार्ज करेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती रहती है, मुझे कमेंट में भी पूछते रहते हैं कि अगर हमारा कंट्रोलर ख़राब हो जाए तो हमारे मॉड्यूल 52 से ऊपर चार्जिंग नहीं करते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ हो जिससे कि हम बाईपास कर दें और इसमें मॉड्यूल लगे रहें और उसी तरीके से कम्युनिकेशन बाईपास कर दें और ये चलता रहे, ठीक है ना दोस्तों। देखिए, कम्युनिकेशन इसका ब्रेक हो गया है, अब इसका लोड भी हट गया है, कम चार्जिंग कर रहा है, ठीक है ना, दोनों मॉड्यूल कम चार्जिंग कर रहे हैं। तो देखिए, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं जो कम्युनिकेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना दोस्तों। ये वाला है और इसका डेल्टा जो ओरियन का जो हमारा डेल्टा 4000 का SMPS, उसके बारे में बता दूंगा, दूसरी वीडियो बना दूंगा कि उसका कौन सा पेयर हमको क्या करना है। अभी इसके आप पीछे चलते हैं अभी हम। हाँ, तो देखिए दोस्तों, अब हम बैक साइड में आ गए। बैक साइड में क्या है, हमारा ये 12 किलोवाट का सिस्टम है, मैंने बताया था आपको। तो ये तीनों स्लॉट हैं, तीनों अलग अलग मॉड्यूल के हैं और जो हमारा जो कम्युनिकेशन जो रहता है कनेक्ट हमारा सबसे पहले इधर आता है, इधर के हिसाब से ये लूपिंग जो लगी हुई है ब्लैक कलर की, तो ये लूपिंग इसी से कम्युनिकेशन हमारा हर मॉड्यूल तक पहुँचता है, ठीक है। अगर ये कम्युनिकेशन केबल ही नहीं लगेगी तो वो हमारे कंट्रोलर के हिसाब से चार्जिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, जो ये कम्युनिकेशन वाली जो केबल आई है जो हमारी कंट्रोलर से आई है, तो इसी को हमें थोड़ा सा छीलना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रेक नहीं करनी है, पूरी ब्रेक नहीं करनी, तो थोड़ा सा छीलना पड़ेगा। तो छील करके मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कौन सा वायर कौन सा इसका कनेक्ट करना पड़ेगा जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन बाईपास हो सके, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, बहुत ही अच्छी वीडियो रहेगी हमारी, क्योंकि काफ़ी लोग चार्जिंग के लिए परेशान रहते हैं कि हमारा डेल्टा वाला जो SMPS है या IPMS है वो हमारा चार्जिंग नहीं कर पा रहा है। तो देखिए, उसी हिसाब से मैं इसको कम्युनिकेशन को बाईपास कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी इसमें हमने दिमाग लगाया और सोचा है, समझाए, तब जा करके हमने इसको ये पकड़ा है। और ऐसी आगे भी वीडियो मैं आपको बनाता रहूँगा, तो अभी आपको करके दिखाता हूँ।
हाँ तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारे जो वायर है 6 वायर हैं, जिसमें कि ब्लू, ब्लैक, रेड और ग्रीन, येलो और वाइट। तो हमें क्या, हमें कौन कौन सा लेना है? हमें ये वाला लेना है जो हमारा, जो ग्रीन वाला और वाइट वाला, हमें जो हमारे जो इसमें क्या नाम है, जो यहाँ से स्लॉट में गया है। और ऐसा भी कर सकते हैं, जो हमारी लूपिंग रहती है हम उसको लूपिंग को ले सकते हैं और लूपिंग को काट करके 6 के 6 तार निकाल लेंगे, और वाइट और ये वाला जो वाइट और ग्रीन, इसको हमें लूपिंग कर देना, जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन बाईपास हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं बाईपास करके दिखाता हूँ, और तुरंत ही मॉड्यूल की भी आवाज़ चेंज हो जाएगी, और उधर भी जाके दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए मैंने अभी शॉर्ट कर दिया है, ये देखिए मेरे मॉड्यूल ने पूरा लोड ले लिया। ठीक है, अब मैं आपको उधर जा करके दिखाता हूँ, कंट्रोलर भी बाहर निकला हुआ और चार्जिंग प्लस पूरी देंगे। हाँ तो देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ पहले ही वेरीफाई कर देना चाहता हूँ, जो देखिए अभी मेरा जो हमने बस बार पे और प्लस इसके चैनल पे हमने वोल्टेज चेक कर रहे हैं हम, तो 53.4 आ रहा है। ठीक है, कंट्रोलर मेरा बाहर है और दोनों मॉड्यूल मेरे वर्किंग में चल रहे हैं। तो मेरा ये जो मॉड्यूल है, जब हमारा कंट्रोलर ख़राब हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है, उस कंडीशन में हमारा 53.4 से ऊपर नहीं जाने वाला है। ठीक है, अगर लोड साइड पर ज़्यादा है तो ओनली 53 तक ही चार्जिंग कर पाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए अब मैं कम्युनिकेशन बाईपास कराता हूँ, जिस तरीके से मैंने वो वाइट और ग्रीन जो कि मैंने लूप कर करके दिखाया था जब मेरे मॉड्यूल लोड लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी मैं दिखवाता हूँ करके। ठीक, तो देखिए दोस्तों, दोनों मॉड्यूल मेरे वर्किंग हैं और वोल्टेज है मेरे 53.5। अब मैं क्या है, कम्युनिकेशन लूप कराता हूं, तो देखिए कम्युनिकेशन लूप करना जरा। तो देखिए कम्युनिकेशन, देखो मेरा लूप हो गया है, मॉड्यूलों ने मेरा लोड ले लिया है। देखो, देखना मॉड्यूल पूरे लोड पे आ गए। तो देखिए कम्युनिकेशन, देखो मेरा कंट्रोलर बंद है पूरी तरीके से। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से हमारे मॉड्यूल चार्जिंग देंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए अब मैं इसका कम्युनिकेशन ब्रेक कराता हूँ, हटाना जरा कम्युनिकेशन। तो देखिए कम्युनिकेशन ब्रेक होने पर ही हमारा, कम्युनिकेशन ब्रेक होने पर ही मॉड्यूल काम करने बंद कर दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारी देखे ना मल्टीमीटर में 56.5 दिखा रहा है, और मेरा जो मल्टीमीटर की देखे ना लीड मैंने बस बार पे लगाई हुई है, और मॉड्यूल देखिए पूरा एकदम लोड ले रहा है। तो इसी तरीके से बाईपास करना है। अब इसका मतलब ये समझ लेना, जिस तरीके से हम मॉड्यूल बाईपास कराते हैं, जिसको हम कम्युनिकेशन जिसका बाईपास करते हैं, यानी कि जो पीछे की जो 2 पिन होती है उनको शॉर्ट करते हैं, बिल्कुल सेम वही है। ठीक है, तो देखिए अभी क्या है, जैसे काफ़ी सारे लोग ये भी बोलेंगे कि भाई हमारी साइड ये 56 या 56.5 तक जा रही है, तो इससे कैसे करें, या बैटरी बैंक हमारा हीट भी हो सकता है, या कोई भी मतलब हीटिंग हो सकता है। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए भी मैं एक अगली वीडियो ले आऊँगा, और बिल्कुल आपको 54.5 ही वोल्टेज इसमें निकाल करके दे दूंगा। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको पूरी पूरी हेल्प मिल सके। ओके फ्रेंड्स।